Brought to you by Candid Dusting Powder. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable Candid Dusting Powder के साथ. अब रुक कर रहा हूँ आदेश रावल का. आदेश, कुल जमा बात ये तो समझ में आ गई कि अब राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं. राहुल गांधी ने चैलेंज किया है बीजेपी को कि हम आपको गुजरात में हरा कर दिखाएंगे, और ये चैलेंज वो कर पा रहे हैं क्योंकि गुजरात में तो खैर एक ही सीट जीते वो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी उम्मीद से बहुत नीचे रह गई. उत्तर प्रदेश और गुजरात और कुछ एक और राज्यों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति नज़र आ रही है? नेता नगरी हम शूट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं जमघट के सिलसिले में दीपेंद्र हुड्डा से मिला, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे पता चला कि हरियाणा को लेकर ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है. कांग्रेस के खेमे में इन राज्यों को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है, और झारखंड को लेकर मीटिंग हुई है, क्योंकि ये तीनों स्टेट के चुनाव अभी 3 महीने बाद है. और यूपी और गुजरात को लेकर एक स्पेशल तैयारी हो रही है. वो तैयारी ये है कि राहुल गांधी और उनकी टीम का पूरा फोकस इन 2 राज्यों के ऊपर है. पहला, उनको लगता है कि जिस तरीके से अभी जो वोट पड़ा है, खासतौर पर संविधान के मुद्दे पे जो मायावती का वोट बैंक था, दलित वोट बैंक खासतौर पर, वो शिफ्ट हो गया. और कांग्रेस पार्टी को ये भी लगता है कि जो अखिलेश यादव को दलित वोट मिला है, ओबीसी वोट मिला है, वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी के थे, राहुल गांधी के थे, चाहे वो जाति जनगणना की बात थी और चाहे वो संविधान के मुद्दे की बात थी. तो उसका फायदा, यानी कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस पार्टी के मुद्दों के कारण वो वोट ट्रांसफर अखिलेश यादव को हुआ. और ओबीसी का भी एक बड़ा सेटबैक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुआ है. तो उनको आज आपने देखा, सुबह सुबह 7 बजे राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए थे, 5 बजे यहां से निकले. तो वो भी ये जो जितने लोग जो कि वहां पे हादसे में मतलब मौत हुई है, और वो जो बाबा है वो भी एक खास कम्युनिटी से संबंध रखते हैं. तो इसके अलावा गुजरात को लेके, कल राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं. 2017 में जिस तरीके से अशोक गहलोत, राहुल गांधी, राजीव सातव अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी और बहुत क्लोज जाके हार गए थे. आपको पता है, आज में और 2017 में एक सिमिलैरिटी है. जिस तरीके से राहुल गांधी भगवान शिव जी की मूर्ति लेके वीडियो बना रहे हैं, पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं, गुरु नानक देव साहब को दिखा रहे हैं, वो ये सब चीजें उन्होंने 2017 में गुजरात चुनाव में की थी. हर मंदिर जाते थे, नवरात्रों में जहां जहां कार्यक्रम होते थे नवरात्रों के, उनमें पार्टिसिपेट करते थे. तो पूरा धार्मिक रूप अपना लिया था और रुद्राक्ष भी उन्होंने पहना था. तो एक एक टीम का, और जो इनके रणनीतिकार हैं जिन्होंने ये तय किया कि अब आपको LOP बनना है, उनका पूरा फोकस इस वक्त इन 2 राज्यों के ऊपर है, जो गुजरात और उत्तर प्रदेश. आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें काफी डेवलपमेंट्स होंगी, जिसकी शुरुआत कल से राहुल गांधी खुद गुजरात जाके करने वाले हैं. और जो राहुल गांधी ने संसद में कहा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि इस बार आप गुजरात भी खाने वाले हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि इन्होंने पहले ही वहां की तैयारी शुरू कर दी थी. जी आदेश, दूसरा, हमने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तो खूब बात की, और भी कई सांसद हैं जिनकी स्पीचेस ने सुर्खियां बनाई. मसलन महुआ मोइत्रा कहती है, मैंने पिछले साल अपनी सांसदी घर और यूट्रस खोया, इसको लेके हमलावर हैं. बोले आप चीरहरण की उन्होंने उपमा का इस्तेमाल किया. उसके अलावा ये भी कहा कि आप मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा कि 14 से 16% मुस्लिम है, सिर्फ 4% चुन के आए हैं, ओबीसी की बात होती, बाकी सब की बात होती, हमारे रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होती है. मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि विपक्ष में भी कई विपक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि सब हंकी डोरी है, सब दुरुस्त हो गया है. चंद्रशेखर रावण का, जो नगीना से सांसद हैं, उनका भाषण भी अलग से रेखांकित किया गया, बहुत काबिले गौर था. राज्यसभा में हमेशा की तरह मनोज झा का भाषण. तो ये इस चीज को लेके अभी किस तरह कवायद दिख रही है कि सबको साथ लेके चला जाए. राहुल गांधी ने ये कह तो दिया कि मैं पूरे विपक्ष का और इसके एक एक मेंबर का को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पर कोऑर्डिनेशन के लेवल पे वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? क्योंकि अभी इनको कई चीजें आयरन आउट करनी होंगी. हरियाणा में ये आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, दिल्ली में क्या रणनीति होगी इनकी, जहां जहां असेंबली इलेक्शंस होंगे किस तरह से चीजें होंगी, उसको लेके क्या रुख नजर आता है? सबसे पहले तो राहुल गांधी कैसे अपना रिश्ता डेवलप कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोगों के साथ में, इसके मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ. पहला उदाहरण है कि हाल ही में, कुछ दिन पहले की बात है,
अखिलेश यादव का जन्मदिन था, तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके बधाई दी और कहा कि जन्मदिन की मुबारक भाई, यानी आखिर में भाई लिखा। ऐसा राहुल गांधी कभी नहीं करते थे। उससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बर्थडे था, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और ये कहा कि जन्मदिन मुबारक भाई, आप कौन सी मछली खाओगे, मुझे उसको उनकी मुझे वैरायटी नहीं पता है। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ मैं ये वाली मछली खाऊंगा। तीसरा उदाहरण देता हूं आपको कि जब स्पीकर का चुनाव हुआ, जब केसी वेणुगोपाल सरकार के लोगों से मिलने गए और राजनाथ सिंह ने फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, खड़गे साहब ने कहा कि हमारी मांग ये है कि हमें डिप्टी स्पीकर दे दीजिए, हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो टीएमसी ने यह कहा कि हम स्पीकर के चुनाव में इनके साथ नहीं है, इंडिया अलायंस के हम इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन शाम को खड़गे साहब के घर पे इंडिया अलायंस की मीटिंग रखी गई थी। तो उस वक्त सांसद जो है वो शपथ ले रहे थे, राहुल गांधी फ्रंट रो में बैठे हुए थे, वेणुगोपाल ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया और वहां लगभग 15-20 मिनट उनकी बातचीत हुई, और उस मीटिंग के बाद संदीप बंदोपाध्याय जो नेता है टीएमसी के, वो बाहर गए और उन्होंने कहा कि हम आज शाम को होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे, और उसके बाद टीएमसी के नेता उस बैठक में शामिल हुए और स्पीकर के चुनाव में वो साथ दिखाई दिए। तो ये तीन चीजें मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिए हैं कि राहुल गांधी अपने जितने भी समकक्ष नेता हैं, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कानी मोजी, सुप्रिया सूले, इन इन सबको मतलब एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि ये कि मेरे साथ इन सबकी अच्छे संबंध रहे, अच्छी दोस्ती। मुझे मुझे एक तस्वीर याद आती है सौरभ जी की, खान मार्केट की तस्वीर थी, वो मुझे किसी ने दिखाई थी, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठ के लंच कर रहे थे। तो जब भी ऐसी कोई मौका मिलता है तो राहुल गांधी उसको और क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और अब जो वो एलओपी बने हैं तो वो एक पर्सनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि अलायंस का क्या होगा आम आदमी पार्टी का, मुझे ऐसा लगता है कि ये अलायंस जो है लोकसभा चुनाव तक था, हरियाणा और दिल्ली में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, ये ऐसा मुझे अभी तक की जानकारी है। लेकिन जहां तक एलओपी बनने की बात थी ना, उसमें भी मैं आपको ये कहूंगा कि इन सब लोगों ने फीडबैक लिया पहले कि क्या सोचते हैं हमारे अलाइज, अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं, डीएमके का क्या कहना है। लेकिन जब सरकार बन रही थी उस वक्त मुझे बताया गया कि जिस दिन सरकार बन रही थी, नहीं माफ कीजिएगा, जिस दिन 4 जून को नतीजे आए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो बड़े नेता दक्षिण भारत के चंद्रबाबू नायडू के टच में थे और वो ये देख रहे थे कि कैसे इंडिया अलायंस 240-245 टच कर जाए। तो उन्होंने उस दिन दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी चंद्रबाबू नायडू ने, और वो वहीं से घोषणा कर देते कि हाँ ठीक है, मेरा मेरा जो समर्थन है वो इंडिया अलायंस को है। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि 234 पे ये लोग रुक गए और स्थितियां बिल्कुल बदल गई। आखिर तक शाम 5 बजे तक इस बात का इंतजार किया गया और वो दोनों नेता, एक मुख्यमंत्री भी हैं, वो दोनों में थे कि बड़े बड़े क्लोज संबंध है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी उस मुख्यमंत्री की मदद की थी इन चुनावों में। तो एलओपी बनने के पीछे एक बड़ी साफ सुथरी रणनीति है राहुल गांधी की कि पिछले 20 साल की आपके राजनीतिक सफर में आप 2007 में कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इंचार्ज रहे, आप 2012-13 में कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने, आप 2017 में पार्टी के प्रेसिडेंट बने, आपने 19 में इस्तीफा दे दिया, आप नहीं किसी भी आप सरकारी पद पे नहीं रहे, इसलिए राहुल गांधी ने इस पद को स्वीकार किया और उनको ये लगने लगा है। देखिए 240 जो नंबर आया, जो कांग्रेस पार्टी ने 99 नंबर लेके आई, उससे इनको ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, इसका सबसे बड़ी वजह ये है। और स्ट्रेटेजिस्ट जो है राहुल गांधी के, वो डे वन से ये बात बोल रहे थे कि राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, और आखिरकार वैसा ही हुआ।